हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं चैप्टर वन रियल नंबर क्लास टेन। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो रियल नंबर कहलाता है। या फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर, यानी जो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि रियल नंबर टू टाइप के नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होता है? तो रेशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -3, -5, 0, 1, 3, 4, 7, ये हमारे रेशनल नंबर है। किंतु अगर 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। √4, √3, √16, √5 ये भी हमारे रेशनल नंबर है। √25 को हम लिख सकते हैं 5/1, 2/3, 7/4, 0.444, ये हमारे सारे नंबर रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर में भी दो प्रकार के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मतलब वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वह नंबर होंगे जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 0.5, 0.375, 0.25, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कह रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसमें वह सारे नंबर आएंगे जो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होते पर डिजिट एक ऑर्डर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.666, इसको हम लिख सकते हैं 0.66। तो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल में 0.676767, यहाँ हम देख रहे हैं 67 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। उसके बाद इरेशनल नंबर, तो जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √8। अब इसके अंदर जो नंबर आते हैं उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी ये नंबर ना तो कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं और कोई डिजिट भी इसमें किसी ऑर्डर में बार बार रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 1.01001001001001, इसमें आप देख रहे हैं कोई भी नंबर किसी ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। चार्ट के द्वारा रियल नंबर समझेंगे। नेचुरल नंबर हम जानते हैं वह सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो नंबर कहलाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दें तब वह इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। इन इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नंबर भी ऐड कर दें तभी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, और रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर्स को भी कंबाइन कर लेंगे तभी आपका रियल नंबर कहलाएगा।
डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम, लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होगा। मान लिया कि सन है और हम जानते हैं कि सन से लाइट मिलती है, तो सन से जो लाइट मिलती है वो हमें डायरेक्ट मिलती है, किसी भी प्रकार के सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सन से लाइट मिलना ये प्रूवन स्टेटमेंट है, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार के सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत है। सन से में लाइट डायरेक्ट मिलती है तब ये कहलाएगा आपका लैंप। अब कहा जाता है कि अगर सन से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि सनलाइट से मोबाइल चार्ज हो जाता है, लेकिन सनलाइट से मोबाइल चार्ज डायरेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल आप धूप में रख दें, लाइट में रख दें और वो चार्ज होने लगे। उसके लिए आपको एक सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा और उस सिस्टम के द्वारा ही मोबाइल चार्ज आप सनलाइट से कर सकते हो, जैसे सोलर पैनल वगैरह। तो मोबाइल चार्ज करना सनलाइट से एक एल्गोरिथम है, क्योंकि इसके लिए आपको एक सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत पड़ी। जबकि सन से लाइट मिलना ये लैमा है, क्योंकि इसमें आपको किसी सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से लैमा ये प्रूवन स्टेटमेंट विद ए प्रोसीजर टू प्रूव एनदर स्टेटमेंट, एल्गोरिथम सेट ऑफ रूल्स विद ए प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझते हैं इक्वल डिवीजन लैमा। मान लिया जाए हम 5 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 को 5 से डिवाइड करने का रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। जब 5 को डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। इसी तरह से 7 को डिवाइड करेंगे जो हम 5 से, तो रिमाइंडर आएगा 2। 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, रिमाइंडर आएगा 3। और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4। यहां पर ए डिविडेंड है, बी डिवीजर है, क्यू कोशेंट है और रिमाइंडर है, और इक्वेशन हमारे पास है ए इक्वल टू बी प्लस आर। जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहां रिजल्ट मिलेगा हमें 5 इक्वल टू 5। जब हम 5 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 1, और ये वैल्यूज हमने बी ए इक्वल टू बी टू प्लस आर में पुट की तो हमें मिला 6 इक्वल टू 6। और इसी तरह से जब हमने 5 से डिवाइड किया 7 को, तो रिमाइंडर 2 आया, और इन वैल्यूज को जब हमने a इक्वल टू b टू प्लस r में रखा तो मिला 7 इक्वल टू 7। और इसी तरह से जब हमने 5 से डिवाइड किया था 8 को, तो रिमाइंडर हमें 3 मिला था, और ये वैल्यूज जब हमने a इक्वल टू b टू प्लस r में पुट की तो रिजल्ट मिला हमें 8 इक्वल टू 8। इसी तरह से लास्ट में जब हमने 5 से डिवाइड किया 9 को, तो रिमाइंडर 4 बचा, और a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5, क्वेश्चन q इक्वल टू r, रिमाइंडर r इक्वल टू 4। ये वैल्यू जब हमने a इक्वल टू b टू प्लस r में पुट की तो रिजल्ट मिला हमें 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर हमने 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर्स को हमने 5 से डिवाइड किया है, तो 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें वो 5 से कम मिल रहा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। यानी रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीजर से कम रहती है। मान लिया जाएगा हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, 1, 2। तो जो इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग इक्वल डिवीजन लेना, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन दे मस्ट सैटिस्फाई द कंडीशन ए इक्वल टू बी टू प्लस आर, वेयर r greater than or equal to 0 and r less than b. Dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. यानी जो dividend जो होता है हमारा वो हमेशा divisor और quotient का multiply plus remainder. यानी quotient और dividend निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, divisor को quotient से multiply करना पड़ेगा और रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, तो इस एल्गोरिथम का यूज एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया।
किया जाता है। मान लिया कोई दो नंबर है ए और बी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड मान लेते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको डिवीजन मान लेते हैं। तो पहले स्टेट में क्या करते हैं, देखो डिवीजन लाइन यूज करते हुए हम डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा जीरो आया है या नहीं। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता तो जो डिवीजर हमारा बीस होता वो एचसीएफ होगा, ए और बी होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब जो आपका डिवीजर था बी वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर आपका डिवीजर बन जाएगा। और यही स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे और ये स्टेप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसके केस में जो आपका डिवीजर होगा वो ए और बी का एचसीएफ कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पैरा पार्ट बी है 2025 रिटर्न टाइम 135 या 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 225 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 135 डिवीजर वन टाइम चला जाएगा 090। हमने देखा है रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा। अप्लाई क्लेम्स डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट 225 मल्टीप्लाई 1 + 90 आर नॉट इक्वल टू 0। हमने देखा है कि हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा है, 0 नहीं है। उसके बाद अगर सर करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा, अगर पहले जो डिवीजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। वन टाइम चला जाएगा आपसे 5 हमारा जीरो अभी नहीं आया। स्टेप टू 135 = 90 × 1 + 45 ≠ 0। हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है इसलिए रिमाइंडर था वो आपका डिवीजर बन जाएगा और पहले नंबर जो था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और ये टाइम चला जाएगा डिवाइड करने पर और रिमाइंडर आ जाएगा आपका जीरो। स्टेप थ्री 90 × 45 × 2 + 0 रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका जीरो आ चुका है इसलिए डिवीजर आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 225 × 135 = 45 आंसर। सेकंड पार्ट बी है 13,220 > 196। यहाँ आपका डिवीजर 196 हो जाएगा और डिविडेंड 38,220। ये 195 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका जीरो। अप्लाई इक्वल
48,220 equal to 196 multiply 195 plus 0 r equal to 0. Remainder 0 आ चुका है, इसलिए इसका एस सी एल 196 थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। वी हैव 867 रिटर्न है 255 डिविडेंड हो गया आपका 867 और डिविजन हो गया आपका 255। ये थ्री टाइम आ जाएगा 5 6 7 2 0 1। अप्लाई division goal start fast 867 equal to 255 multiplied by 3 plus 102 remainder यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, इसलिए अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। स्टेप को लिख लेते हैं 255 पर 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 31 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर फिर 0 नहीं हुआ, तो एक स्टेप और रहेंगे आगे, टू टाइम जाएगा रिमाइंडर 0। स्टेप 3 102 इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, इसलिए एस सी एफ आपका हो जाएगा 32 डिवीजन 51 आंसर।